हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था पार्ट वन में किस तरीके से फ्रंट का एलिवेशन हम बना लेंगे। इसके बाद अगर हमको यहाँ पे अगर हम बात करें वेस्ट की और हम बात करें ईस्ट की, तो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में किस तरीके से अपने एलिवेशन को बनाएंगे, आज के वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक में डाल दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप नए यूजर हैं तो आपको नहीं पता होगा लास्ट वीडियो हमने क्या देखा था। लास्ट वीडियो हमने देखा था कि एलिवेशन किस तरीके से इम्पोर्ट करेंगे। और प्लीज़, अगर आपको ऑटोकैड में एलिवेशन बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे मुझे कमेंट करिए, सो दैट मैं ऑटोकैड में एलिवेशन भी आपको बता दूँ। चलिए, आज जो हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे वेस्ट एलिवेशन और इधर से हम लोग अपना ईस्ट एलिवेशन को इम्पोर्ट करेंगे, और उसके बाद बैक मीन्स नॉर्थ एलिवेशन को भी करेंगे, और फिर हम इस तरीके से इसको कम्प्लीट मॉडल बनाएंगे। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले इस वेस्ट एलिवेशन पर काम करना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए जस्ट गो टू इम्पोर्ट एंड देन जस्ट गो टू इम्पोर्ट एंड हमने यहाँ पे अलग अलग फाइलें सेव कर रखी हैं अलग अलग डायरेक्शंस की, वो मुझे इजी जाता है, आप भी अपने हिसाब से जो इजी जाए आपको। देखिए, ईस्ट का हमने फाइल सेव कर रखा है और यहाँ पे वेस्ट का सेव कर रहता है। सो आई वॉन्ट वेस्ट, सो जस्ट क्लिक ऑन वेस्ट, ओपन एलिवेशन, चेक द यूनिट एंड देन क्लिक ओके। यस, इज डन। नाउ आफ्टर दिस जस्ट सेलेक्ट दिस एंड जस्ट ग्रुप एंड ग्रुप ग्रुप एंड देन व्हेन यू क्लिक ऑन मूव जस्ट क्लिक हियर 0। लास्ट टाइम मैंने बताया था जस्ट 0 एंड देन ऑलरेडी 0। ओके, आफ्टर दिस जस्ट चेंज द एंगल। एंगल कैसे, पहले इसको 90 फिर 90 पे कन्वर्ट कर दिस इज जस्ट ऑन दिस राइट क्लिक एंड द एंगल इज ऑलरेडी 90 एंड इफ नॉट ऑन एंड 90 कैन जस्ट पुट हियर 90। After this, rotate command. Like this. And after this, rotate once again. Like this. I think total is correct. Yeah, correct. अब इसके बाद क्या करेंगे, जस्ट एडजस्ट कर देना है कि यहाँ से यहाँ तक हो जाइए। ठीक है, तो एडजस्ट कैसे करेंगे, जस्ट अगेन गो टू एनी अदर व्यू एंड देन सपोज आई टेक मूव कमांड फ्रॉम हेयर, मूव और इसके बाद हमने देखा कि हमारा परफेक्ट एलिवेशन है। यस, परफेक्ट है। ओके, यस, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। अब क्या करना है, जस्ट इसको फ्रीज कर देना। सो हाउ कैन वी फ्रीज, जस्ट राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज फ्रीज, ओके लाइक दिस। ओके, अब देखिए यहाँ से भी आप अपने एलिवेशन पे काम कर सकते हैं और यहाँ से भी काम कर सकते हैं। मुझे बेटर ये पड़ेगा कि हम यहाँ से बना लें। ठीक है, और मैं चाहूँगा कि जो अभी हम लोगों ने ये बनाया है इसको हम लोग बंद कर दें फ्रंट वाले को। तो आप ये क्या था, ग्रुप वन था, सो हमने ग्रुप वन को बंद कर दिया। ग्रुप टू भी था क्या, शायद ग्रुप टू को भी बंद कर दिया। तो अभी हमारे पास केवल केवल एक व्यू है, बाद में हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको ऑन कर लेंगे। ओके, सो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे जाएंगे सेप पे, और सेप पे जाने के बाद रेक्टेंगल लेंगे और यहाँ से ग्रिड को, मैं इस वे में काम करूँगा, तो ग्रिड को ऑफ कर दिया इस तरीके से। और ग्रिड को ऑफ करके लाइक दिस, देखो कुछ करना नहीं है, जस्ट ट्रेस करना है आपको अच्छे से, फुल ट्रेस कर लेते हैं। एंड आफ्टर दिस जो नीचे के व्यू है इनको भी ट्रेस कर दीजिए। सो जस्ट क्लिक करिए, ट्रेस कर दिया। अब ये जो विंडोज़ हैं इन विंडो को भी ट्रेस कर दीजिए।
तो एक विंडो तुम्हारा ये है और एक विंडो है हमारा थोड़ा सा गलत है। अच्छा हो गया, अब आफ्टर दिस इस वाला ट्रेस कर दीजिए। डन, आपका इस तरह का काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्लैब पे काम कर दीजिए। यहाँ पे अब देखिए स्लैब एक साथ लगाना, हाँ ठीक है एक साथ लगा सकते हैं। स्लैब स्लैब भी हो गया हमारे पास एंड देन दिस इज पैराफिट। सो यहाँ से हम लोग पैराबिट पर क्लिक कर देंगे। कुछ भी नहीं है इसमें एलिवेशन बनाना, सिर्फ और सिर्फ टाइम टेकन है। तो अगर आपको कोई डाउट भी आ रहा है कि सर इसको कैसे बनाया, ऐसे कैसे बनाया, ये क्या है, या कि वो कोई एलिवेशन आपके पास है आप बना नहीं पा रहे हो, तो उसके लिए आप मुझे ना लाइक मेरे ईमेल आईडी पे आप लोग मुझे अपना डिज़ाइन भेज दीजिएगा, मैं आपको बना के दे दूंगा किस तरीके से प्रॉपर बनाते हैं। देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो कोई बात नहीं, डिलीट कर दीजिए कंट्रोल जेड। जब बड़े प्रोजेक्ट करेंगे तो गलतियाँ थोड़ी थोड़ी आपके साथ होंगी। ये तो कुछ नहीं है, जब आप अपार्टमेंट वगैरह का प्लान करते हो तो काफ़ी गलतियाँ उसमें आती हैं, बट बाद में जब हम ग्रुप कर देते हैं तो अगर कुछ लाइनें इधर उधर हैं तो ग्रुप से सब कंप्लीट हो जाती है, मतलब एक हो जाती है। चलिए हमारा एक व्यू तैयार हो गया। अब एक एक करके व्यूज़ को हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रूड कर देंगे। देखिए कैसे एक्सट्रूड करना है, मॉडिफाई एक्सट्रूड। ओके देखिए स्लैब से स्टार्ट हो गया और स्लैब को हमने एक्सट्रूजन दे दिया 9 इंचेस का। तो हमने इनको सेलेक्ट किया, अगेन जस्ट गो टू एक्सट्रूड एंड जस्ट एक एक्सट्रूड लाइक दिस एंड देन पैरापेट पहले वॉल कर लेते हैं। वॉल एक्सट्रूड इसको कर लेते हैं पहले एक्सट्रूड, ज़्यादा करिएगा क्योंकि इसको सबट्रैक्ट करना रहेगा तो आपके लिए इजी जाएगा। ऑलरेडी हो गया। नाउ आफ्टर दिस जस्ट सेलेक्ट दिस वन एक्सट्रूड लाइक दिस। अब इसको तो नहीं करेंगे। ओके नाउ अगर आप इसको देखना चाहते हो इस तरीके से दिख रहे हैं। अब हमारे पास क्या बचा, स्लैब। एक्सट्रूड यहाँ पे भी स्लैब को भी कर दीजिए। इसके बाद पैरापिट वॉल, हो सकता है पैरापिट का हाइट कम हो, कितना हो सॉरी थिकनेस कम हो, 4.5 भी लिया जाता है। सो इफ यू वांट यू कैन यूज 4.5। और ये भी पैरापिट है, सो एवरीथिंग इज डन। जस्ट आप सबट्रैक्ट भी कर लो यहीं पे तो आपके लिए इजी होगा फिर इम्पोर्ट करना। अच्छे से इसको एंट्री कर दीजिए इसे। ओ हमने एक एक हमारे पास और था विंडो, यहाँ पे विंडो रहा होगा तो उस विंडो सॉरी कंट्रोल, वो विंडो भी हमें देख के कर देना चाहिए उसको भी सेपरेट, सो दैट की इजी हो जाए हमारे पास। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट किया हमने और इसको भी एक्सट्रूड कर दिया मोर एंड देन ये, और इसको थोड़ा सा हमने मूव किया। ओके आफ्टर दिस सेलेक्ट ए ऑब्जेक्ट, आपको पता है जस्ट गो टू कंबाइंड ऑब्जेक्ट, कंबाइंड ऑब्जेक्ट एंड देन बूलियन पी का ऑपरेंड बी, जस्ट क्लिक ऑन बी, दैट्स इट। नाउ आफ्टर दिस सेलेक्ट ए ऑब्जेक्ट अगेन, कंपाउंड ऑब्जेक्ट एंड देन बूलियन देन पी का ऑपरेंड बी, जस्ट क्लिक बी। कंपाउंड ऑब्जेक्ट बूलियन, सो इस तरीके से हम लोग इजली क्या बना सकते हैं अपने
कैलकुलेशंस को तैयार कर सकते हैं इस बिल को। अब इसको क्या करना है, सिर्फ मूव करना है, मूव करने से हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। सेलेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 एस एवरीथिंग इज सेलेक्टेड। ओ अब एक चीज और बचा हुआ है, ये इनको भी एक्सट्रूड कर दीजिए, आपके जीएल टू पीएल ग्राउंड लेवल टू प्रिंट लेवल है, एक्सट्रूड। ओके नाउ एवरीथिंग इज डन। बहुत आराम से करिएगा, कोई जल्दी नहीं है, और बहुत स्पीड में करेंगे तो आपकी गलती हो सकती है, बट अगर इजी इजी करेंगे तो आराम से हो जाएगा। जस्ट आफ्टर दिस जस्ट मूव दिस वन। स्लैब छूट गया तो आपको क्या करना है, स्लैब को भी सेलेक्ट कर लेना है और स्लैब को भी पीछे पहुंचा देना है। डन, परफेक्ट। इसको और इसको थोड़ा सा पीछे करना है। डन, तो हमारा क्या हुआ, हमारा वेस्ट व्यू भी कंप्लीट हो गया। अभी विंडो और इसमें लगाएंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ईस्ट व्यू भी कंप्लीट कर लें और फिर ये, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें किस तरीके से वीडियो को लाइक इसमें हम लोग विंडो किस तरीके से रिप्लेस करेंगे और डोर किस तरीके से रिप्लेस करेंगे। तो चलिए हम लोग वेस्ट व्यू को लेके आते हैं, ईस्ट व्यू को लेके आते हैं। ईस्ट व्यू को लाने के लिए जस्ट अगेन गो टू हियर एंड देन इम्पोर्ट, एंड इन इम्पोर्ट यू कैन जस्ट गो टू इम्पोर्ट एंड ईस्ट व्यू। सो आई हैव ईस्ट। देखिए अलग अलग डायरेक्शन से करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी जाएगा और आप वो जल्दी बना सकते हो। इसको सेलेक्ट किया, रोटेट कमांड, एंड आफ्टर दिस रोटेट दिस डायरेक्शन। डन एंड देन सेट करना है आपको, जैसे मैंने अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया था, मूव और सावधानी से करिएगा। इसके बाद देखिए मैंने इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं ऑन किया है, अगर आप वर्टेक्स ऑन कर देंगे तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। तो वर्टेक्स से क्या होगा कि आपकी स्नैपिंग रीड करता रहेगा वो, ये देखिए वो बोलता रहेगा कि ये द दिस इज द करेक्ट। यस सो आई थिंक एवरीथिंग इज डन। या डन, या देखिए यहाँ पे स्नैप ऑन कर दिया तो आपको ये पॉइंट्स भी देता रहेगा, तो आपको और ईजी हो जाएगा काम करना। नाउ आफ्टर दिस लाइक इट्स बेटर फॉर यू कि यू कैन जस्ट गो टू राइट व्यू। उससे क्या होगा कि अब आपको यहाँ पर ट्रेस करना आसान हो जाएगा। जस्ट गो टू शेप्स एंड देन रेक्टेंगल, सो विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर ओनली, बट यहाँ पर अलग अलग पार्ट में करेंगे तो आपको लिए अच्छा रहेगा। यस सो जस्ट क्लिक हेयर एंड देन जस्ट क्लिक लाइक दिस एंड देन सो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अब इसे एक डायरेक्शन को हमने सेव कर लिया, इसके बाद यहाँ जाइए और यहाँ से इस वॉल को ट्रेस करिए, और इस वॉल को ट्रेस करके सॉरी इस वॉल को ट्रेस करके यहाँ तक ले जाइए, और फिर इसको हमने ट्रेस किया और उसको ट्रेस करके यहाँ तक ले जाइए, और फिर अभी हम लोग के पास कौन सा बचा हुआ है, यस यहाँ से ट्रेस करिए और यहाँ तक ट्रेस कर दीजिए, फिर पैरापेट को भी ट्रेस कर दीजिए। अगर आप चाहते हो कि हमारी कोई गलती ना हो स्ट्रेस करते टाइम, तो आपके साथ बहुत अच्छा काम आप कर सकते हो, क्या इन सबको हाइड कर सकते हो, जैसे कि अभी उसमें दिख रही थी बहुत ढेर सारी लाइनें,
तो आप कंफ्यूज हो रहे थे, तो इनको हम लोग हाइड कर दें अगर तो आपके लिए काम इजी हो जाएगा। सबको सेलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक, यहाँ पर देखिए अनहाइड ऑल होता है और हाइड सेलेक्शंस होता है, तो अभी जिसको मैंने हाइड कर दिया तो ये अब हमें बार बार लाइनें कम दिखेंगी तो आपको परेशानी कम होगी। सो इट्स बेटर फॉर यू कि आप हाइड सिलेक्शन कर दीजिए। देखिए और इसके बाद ग्रुप थ्री, आई थिंक हमने इसको ग्रुप का नहीं किया था क्या, आई थिंक ग्रुप ग्रुप में करना भूल गया था, सॉरी, ग्रुप कर दीजिएगा इसको और ग्रुप थ्री को आप ऑफ कर दीजिएगा। ग्रुप थ्री को ऑफ कर दिया और अब सिर्फ और सिर्फ हमने जो ड्रॉ किया है सिर्फ वो लाइनें हैं, तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी आगे के डायरेक्शंस को कंप्लीट करने में। रेक्टेंगल लिया और रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर क्लिक कर दिया, इस स्लैब को लिया यहाँ से और यहाँ से लेके यहाँ तक स्लैब को ऑन कर दिया। ओके एंड देन विंडो को ट्रेस कर दिया यहाँ से। विंडो को ट्रेस करने के बाद यहाँ से हमने विंडो को लिया और इसको भी ट्रेस कर दिया और इसको ट्रेस करके हमने यस ओके एवरीथिंग इज करेक्ट। देखिए हमारे पास सारा का सारा रिलेशन तैयार हो गया है। ओके अभी हमारा देखिए नीचे का एक व्यू कंप्लीट होना बाकी है, कौन सा, ये यहाँ का, कोई बात नहीं, आप फिर से जाइए यहाँ पे और फिर से राइट व्यू क्लिक कर दीजिए और रेक्टेंगल पे क्लिक कर दीजिए। रेक्टेंगल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से क्लिक करिए और यहाँ से यहाँ तक ट्रेस कर दीजिए। अब हमारे पास कंप्लीट मॉडल हो चुका है और इसको कुछ नहीं करना है, आपको एक्सट्रूड करना है सिर्फ। एक्सट्रूड कैसे करेंगे, अभी अभी हम लोगों ने देखा था, जैसे सपोज हमने वॉल से स्टार्ट करते हैं तो वॉल को सिलेक्ट किया, जस्ट गो टू एक्सट्रूड एंड देन एक्सट्रूड कर दिया हमने इसको, कितना 9 इंचेस क्योंकि आउटर वॉल होगी, एंड देन अगेन स्नैप को ऑफ कर दीजिए, अभी स्नैप का काम नहीं है तो एक्सट्रूड कर दिया हमने। सॉरी इतना ज़्यादा नहीं कर सकते ना, तो इसको हम लोग कितना रखेंगे 4.5, डायरेक्ट आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो 4.5। और यहाँ पे भी हमने एक्सट्रूड कर दिया, इसको सेलेक्ट किया और इसको भी हमने एक्सट्रूड कर दिया, हमने इसको 9 रखा, हमें नहीं पता है कितना, जो भी आप रखना हो रख सकते हो एक्सट्रूड, और यहाँ पे भी हमने इसको 9 रख दिया। ओके अब यहाँ पे लाइक एक्सट्रूड, सॉरी आपने आई तो लाइन करना भूल गए थे क्या, एक्सट्रूड ओके हम यहाँ पे लाइक ये जो लाइन है इस लाइन को हम लोग लाइन करना भूल गए थे, तो आई थिंक इसके स्ट्रेस नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको जस्ट एक रेक्टेंगल लेना है और रेक्टेंगल लेके फिर से एक ड्रॉ कर देना है फ्रॉम यहाँ से आता है, और जैसे रेक्टेंगल को ड्रॉ किया इसको ही मॉडिफाई यहीं से कर दीजिए और एक्सट्रूड हो जाएगा इस तरीके से। तो ऐसे आप जैसे ड्राइव्स करते जाओगे तो हो सकता है कि अब एक दो लाइनों को अब सॉरी एक दो लाइनों को आप बोल सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसके रेक्टेंगल को दोबारा बना सकते हो। इस तरीके से हमने इसको भी तैयार कर दिया
और एक्सट्रूड कर दिया, डन। तो हमने लेवल लगभग सारे पॉइंट्स को कंप्लीट कर दिया, सिर्फ ये विंडो नहीं बनी हमारे पास। तो इस विंडो के लिए क्या करेंगे हम लोग, फिर से रेक्टेंगल लेंगे, ड्रॉ करेंगे और रेक्टेंगल ड्रॉ करके इस तरीके से विंडो ले लेंगे, और फिर मॉडिफाई पर जाएंगे और यहाँ से हमने एक्सट्रूड कर देंगे। और एक्सट्रूड थोड़ा सा ज़्यादा करिएगा जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको, जिससे कि उनको सेपरेट करने में आसानी रहे। तो चलिए हमने इसको एक्सट्रूड को सब स्नैप ऑफ कर दीजिए, और इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सट्रूड मिडिल में रख देंगे। ओके, और डन, एवरीथिंग इज डन, यस डन। एंड आफ्टर दिस जस्ट सेलेक्ट दिस एंड देन मूव। अब सबको सबट्रैक्ट कर दीजिए। कैसे सबट्रैक्ट करेंगे, बड़े ऑब्जेक्ट को लेना है और यहाँ पे आना है कंपाउंड ऑब्जेक्ट पे, बुलियन पी का ऑपरेंड बी, और बी पे क्लिक कर देना है। सेम थिंग यू कैन डू फॉर दिस वन ऑल्सो, कंपाउंड ऑब्जेक्ट पी का ऑपरेंड बी एंड दैट्स इट, डन। अब क्या कर सकते हैं, सबको सिर्फ यहाँ से हमको खींचना है, सबको आगे बढ़ाना है। तो आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ मूव कमांड से आपको मूव करना है। बट यहाँ पे मूव में थोड़ा सा डिफरेंस, जैसे कि एक पार्ट को मूव करना पड़ेगा। ये देखिए हमने इन पार्ट्स को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके हमने इनको मूव कर लिया। तो इनको मूव करने के लिए आप इसका टॉप भी ओपन कर दीजिए तो आपको इजी जाएगा। इस तरीके से हमने इसके फ्रंट व्यू को कर लिया। अब इसके बाद कुछ आपके और पॉइंट्स बचेंगे जिनको हमको इंपोर्ट करना रहेगा। ओके, अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन व्यूज को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके इनको हम लोग यहाँ से मूव कर देंगे। अच्छे से मूव करेंगे तो आपके लिए इजी जाएगा, और इस तरीके से हमने मूव कर दिया। अब इसके बाद इस व्यू को लीजिए, और इस व्यू को लेने के बाद ये भी परफेक्ट है, इसको कहीं पे भी ले जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमने एक गलती की क्या, स्लैब को हमने एक साथ बना दिया। अब सबके लिए स्लैब अलग अलग चाहिए था तो आपको प्रॉब्लम जाएगा। तो इसलिए क्या करिए, पहले स्लैब को आगे ले लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पर लेने के बाद स्लैब को स्केल कमांड लगा दीजिए और इसको छोटा कर दीजिए। ओके, और इसके हम लोग कॉपीज बना सकते हैं स्लैब के। तो हमने शिफ्ट बटन दाब के और यहाँ पे जैसे मूव करेंगे तो कितने कॉपीज चाहिए पूछ लेगा वो। हमने कहा हमें दो कॉपी दे दी, हम अलग अलग जगह पर अलग से स्केल कर देंगे। ओके, तो अब इसके जैसे ये हमने लिया और ये लेके हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं कहाँ पे, यहाँ पे। और इसमें दिखा कि मुझे थोड़ा सा और स्केल चाहिए, कोई बात नहीं, आप इसको स्केल कर दीजिए थोड़ा सा और। ओके, एंड आफ्टर दिस जस्ट मूव दिस। लाइक दिस, डन। एंड सेम आप यहाँ पे भी कर सकते हो, कहाँ पे ये जो हमने सेलेक्ट किया है इसको सेलेक्ट करके इसको भी सेलेक्ट करके यहाँ पे लाइए, यहाँ पे आप इसको ले आकर देख सकते हैं। और इसको इसके बाद स्केल कर दीजिए यहाँ से, और स्केल करके इसको भी थोड़ा बड़ा बना सकते हैं, और इसको मूव कर दीजिए कुछ इससे। थोड़ा सा और स्केल करने की ज़रूरत है तो इसको थोड़ा सा ऐसे स्केल। देखिए मॉडलिंग है, मॉडलिंग में आपको बहुत पेशेंस के साथ एक एक करके मज़े लेके इस पे काम करना है। अगर आप बोर हुए तो आप डिज़ाइनर नहीं हो। ओके, तो हमने इस तरीके से फाइनली इस पे भी कर दिया, और आई थिंक यहाँ पे भी हमें ज़रूरत अब ज़रूरत है। तो इसके लिए हम लोग बहुत छोटा सा हमको चाहिए रेक्टेंगल, तो हमने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके यहाँ पे मूव स्केल कमांड लिया, स्केल कमांड लिया इस तरीके से हमने स्केल कर दिया। और फिर इसको भी हमने मूव किया यहाँ से, और थोड़ा सा स्केल की ज़रूरत है, बहुत छोटा चेन को। एंड देन मूव,
एंड देन और थोड़ा सा, डन। तो इस तरीके से हमने वहाँ पे मॉडल तैयार कर दिया। अब हमारा जो ये पैरापिट है, ये पैरापिट भी अलग अलग होना चाहिए क्या? अब यहाँ से देख सकते हैं ये अलग अलग होना चाहिए कि एक साथ होना चाहिए। यस, तो हम लोगों ने पैरापिट को सेलेक्ट किया, और पैरापिट को सेलेक्ट करने के बाद इसको भी हमने आगे की ओर मूव कर लिया। इस तरीके से अब यहाँ पे भी पैरापिट आ गया। और इसके बाद आपने मॉडल को देखा, हमारा मॉडल इस तरीके से तैयार हो गया है। अब जिसमें जो इसमें अनसेलेक्टेड पार्ट थे, उन अनसेलेक्टेड पार्ट को बुला लीजिए। अनसेलेक्टेड पार्ट को जैसे बुलाएंगे तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि ये व्यू कैसा दिखने वाला है। तो राइट क्लिक करिए, और राइट क्लिक करके अनहाइड ऑल, और अब देखेंगे तो आप इसका ये व्यू ऐसा दिखने लगा, ये व्यू ऐसा दिखने लगा, और ये व्यू ऐसा दिखने लगा। और इसके बाद हम लोग इसको सेट करेंगे, और सेट करके आप विंडो लगाएंगे और डोर लगाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा, उस वीडियो में हम लोग इसका डोर और विंडो प्लेस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, क्योंकि मॉडल का कंप्लीट करने में टाइम लगता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे विंडो प्लेस करते हैं, और कैसे यहाँ का रियर व्यू सेट करेंगे, और कैसे यहाँ की ऊपर का शेड लगाएंगे। इस वीडियो को अगर आपने देखा, और यहाँ तक अगर कंप्लीट आपने देखा है और आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और अगर आपको समय लगे तो इसको शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइस।